हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुली कुर्ती डिज़ाइनिंग बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग बताऊंगी। फ्रेंड्स, कटिंग मैं आपको मेजरमेंट के थ्रू नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट हर साइज का बना रखा है, तो इस ड्राफ्ट के थ्रू मैं आपको कटिंग बताऊंगी कुर्ती की। और अगर आप इस तरह के ड्राफ्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ड्राफ्ट का वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको ये ड्राफ्ट मैंने कैसे बनाया है पेपर पे, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये मीडियम साइज़ का कुर्ती में जो साइज़ होते हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एस, एम, एल करके आप देखते होंगे सिलेक्शन करते समय कि कुर्ती किस साइज़ की है, एक्सेल, डबल एक्सेल तक। तो ये मेरा मीडियम, दैट मींस एम साइज का, आप देखिए मीडियम मैंने यहाँ लिख करके रखा हुआ है पेंसिल से। एम साइज की कुर्ती बनाने का ये ड्राफ्ट है जिसके लिए हमारी चेस्ट होती है 38। डायरेक्टली 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम एम साइज सेलेक्ट करते हैं, और जिस पैटर्न की कुर्ती हमें बुक करनी होती है, शॉर्ट लॉन्ग, उसके अकॉर्डिंग होती है लेंथ। तो ये मैंने सिर्फ कमर तक का, जहाँ से हमें कट करना है, स्लिट्स जहाँ से हम बनाते हैं वहाँ तक की कटिंग करके रखी है। स्लिट्स के नीचे अपने अकॉर्डिंगली हमें जितना लेंथ रखना हो कुर्ती का, शॉर्ट में, लॉन्ग में, हम उतना रख सकते हैं। यहाँ पर नेक हमारा ड्राफ्ट में, हमारे नेक की साइज आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 7 इंचेस नेक कट कर रखा है। ऊपर से मैंने ऑलरेडी स्टिच करने के लिए एक्स्ट्रा पेपर ले लिया है, 1/2 इंच मेजरमेंट का एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और यहाँ से ये मैंने, यहाँ से अगर स्टिचिंग के फैब्रिक को अलग हटा दें तो ये मेरा आर्म होल के लिए मैंने यहाँ से स्ट्रेट में 6.5 पर ले रखा है। अगर आपको ये पूरी ड्राफ्टिंग की कटिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए इस ड्राफ्ट के थ्रू हम मार्किंग करते हैं कुर्ती के। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो मुझे यहाँ पर घेर रखनी है कुर्ती की, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है यहाँ तक। ये हमारा पूरा टोटल फिटिंग का है ये। इसमें अभी हम स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा 1/2 इंच 1 इंच जितना भी हमें रखना होगा फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पर साइड में रखेंगे। और यहाँ से स्लिट्स हमारी होंगी, तो ये पूरा यहाँ का इतना जो 1 इंच का फैब्रिक है वो स्लिट्स में फोल्ड हो जाएगा, जिससे ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट कट कुर्ती निकल आएगी। इस ड्राफ्ट को हमने अपने 4 फोल्ड फैब्रिक पे इस तरह से रख दिया है। नेक वाला पार्ट इस साइड में रखा है हमने। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही होगी क्योंकि हमारे बगल के प्लॉट पे कुछ वर्क चल रहा है, तो ड्रिल मशीन की ये वॉइस है, आप देख सकते हैं। ये मैंने नेक को साइड, जिस साइड से हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है उस साइड में नेक वाले पार्ट को रखा है, और स्लीव का पार्ट, मतलब यहाँ से जो हमने आर्म होल की कटिंग की है उसे मैंने इस साइड रखा हुआ है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए मैं डायरेक्ट पूरी स्ट्रेट लाइन यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ डॉट डॉट या डैश डैश पैटर्न से मैं लगा लेती हूँ इस तरह से मार्किंग। यहाँ पर अब हमें अंदर के स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, ये स्लिट्स तक ऐसे हम कर लेंगे। यहाँ से हमारी स्लिट्स होगी। कुर्ती की लंबाई मुझे यहाँ 37 इंच रखनी है, तो मैंने टोटल फैब्रिक की लंबाई 38 इंच ली है। यहाँ से मैं पूरा स्ट्रेट कटिंग कर लूँगी। तो अब मैं इसको कट करके आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट और बैक का पार्ट कट कर लिया है। बैक पार्ट में हमने नेक को 2.5 इंच कट किया है, ओवरऑल स्टिच होने के बाद ये 2 इंच तक क्रिएट हो जाएगा। और फ्रंट पार्ट में हमारा नेक, हमने आपको बताया था ये फ्रंट पार्ट है, देखिए बहुत ही अच्छे से बिल्कुल शेप में ये कुर्ती की कटिंग हुई है, और यहाँ से ये शेप आएगा कुर्ती का, और यहाँ से स्लिट्स बिल्कुल सीधी स्ट्रेट स्लिट्स हो जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कुर्ती की स्लीव्स कैसे कट करते हैं। स्लीव्स के लिए भी ऑलरेडी मैंने सेम
ड्राफ्ट क्रिएट कर रखा है। मुझे यहाँ पे 3/4 स्लीव्स बनानी है। ये हाफ स्लीव के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग की है। स्लीव्स की लेंथ तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे स्लीव्स का आर्म होल और उसकी शेप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप इसका भी सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुर्ती के साइड से जो ये फैब्रिक्स निकलते हैं, इसी फैब्रिक का यूज़ करके हम स्लीव की कटिंग करते हैं। स्टिचिंग में फ्रेंड्स, ये ध्यान देने वाली, स्टिचिंग तो हम कैसे भी कर सकते हैं, बट स्टिचिंग करते समय ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि हम फैब्रिक के पूरे फैब्रिक का अच्छा यूजफुल पूरा यूज़ हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फैब्रिक को वेस्ट करके भी कटिंग की जा सकती है और फैब्रिक का पूरा यूज़ करके भी कटिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने जो कुर्ती के साइड से कटिंग्स की कर रखी हैं, उसी का स्लीव्स उसी में से निकाल रही हूँ। ये फैब्रिक को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है। मुझे 3/4 स्लीव्स निकालनी है यहाँ से। तो 3/4 स्लीव निकालने के लिए मुझे ये हाफ स्लीव है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे इसकी लेंथ यहाँ से इतनी बढ़ा कर रखनी है। देखते हैं कितनी लेंथ आ रही है इसमें। 4 इंच लेंथ हमने यहाँ बढ़ा ली है। बहुत ही परफेक्ट लेंथ होगी ये टोटल 3/4 स्लीव के लिए। टोटल लेंथ हमारे स्टिच करने के बाद 14.5 इंचेस लेंथ क्रिएट हो जाएगी। तो आर्म होल की स्लीव्स की कटिंग के लिए भी हम सेम पैटर्न करेंगे। यहाँ से हम स्लीव्स की जो पैटर्न है उसको रख लेंगे। यहाँ भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है अंदर के साइड में, तो मैंने यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ले रखा है, थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है। मैं इसे थोड़ा सा और कम कर देती हूँ। इस तरह से हम फैब्रिक को थोड़ा खींच कर कम कर लेंगे। ये भी 4 फोल्ड में कटिंग होगी और ये जो जॉइंट वाला पार्ट होता है जिधर से हम फोल्ड करते हैं उस साइड में हमारा ये पार्ट आ जाएगा और ये कटिंग वाला शेप स्टिचिंग वाला अपोजिट साइड में चला जाएगा। यहाँ पर हम स्लीव के ड्राफ्ट को रखेंगे इस तरह से सबसे टॉप पर। यहाँ से मार्किंग करेंगे स्लीव्स के लिए। ये देखिए इस तरह से ये हम स्टिचिंग में एक्स्ट्रा पार्ट लेने वाले हैं यहाँ से। तो ये स्टिचिंग के लिए हमने एक्स्ट्रा ले लिया। यहाँ से स्लैंटिंग, हल्का सा स्लैंटिंग करते हुए हम नीचे तक आ जाएंगे। ये यहाँ तक आ जाएंगे। ये हमारे स्लीव की मार्किंग हो गई। अब मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने स्लीव की बहुत ही परफेक्टली कटिंग कर ली है। बहुत ही अच्छे से शेप आया है। स्लीव्स में एक और कटिंग करनी होती है हमें। फ्रंट का जो पैनल होता है हमारा, फ्रंट के पैनल को थोड़ा सा हम अंदर की तरफ कर्व देते हुए, थोड़ा सा और डीपनेस देते हुए 1/2 इंच से 1 इंच अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हम 1/2 इंच से 1 इंच का डीपनेस देते हुए इसको शेप देते हैं। ये कुछ इस तरह से शेप आ जाता है। सिर्फ फ्रंट पैनल पे कटिंग करनी है। ये 4 फोल्ड है हमारे स्लीव। तो मैंने यहाँ से 2 फैब्रिक्स को पकड़ लिए। 2 नीचे की साइड में है। यहाँ से मैं इसे हल्के से डीपनेस के साथ इस तरह से कट कर लूँगी। देखिए बहुत ही आसानी से ये इस तरह से कटिंग हो जाती है और हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको इस कुर्ती के नेक पर बहुत ही ब्यूटीफुली 2 कलर से, सिर्फ सिंपल से 2 कलर की पट्टियां यूज करके कुर्ती के नेक पे डिजाइनिंग करूंगी। बहुत ही सिंपल डिजाइनिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक लगेगी, लुक दे दी है। सबसे इस डिजाइनिंग का मेन टॉपिक ये है कि हम, जरूरी नहीं है कि इस फैब्रिक पे जो कलर्स यूज हुए हैं, जो हमारी कुर्ती पे जो कलर्स यूज हुए हैं उसी से मैच करता हुआ कोई सा कलर लेकर के हम कोई भी डिजाइनिंग करें। इस डिजाइनिंग का मोटिव ये है कि हम कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक का यूज करके भी, प्रिंटेड फैब्रिक पे कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक का यूज करके भी बहुत ही सिंपली बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स, आपने ये सोचा होगा कि मैंने बिना नेक बनाए मैंने ये कटिंग कर ली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल नेक पहले बना करके कटिंग करते हैं, बट जो हमारे पहले के जनरेशन के लोग हुआ करते थे वो नेक की कटिंग करने के बाद भी नेक को बहुत ही परफेक्टली क्रिएट करते थे। मैं वही मेथड आपको बताने जा रही हूँ। ये मैंने जो कुर्ती का नेक कट कर रखा है, उसके नीचे मैंने जिस फैब्रिक से मुझे नेक क्रिएट करना है उसके नीचे मैंने वो फैब्रिक रख लिया। मैंने यहाँ रेड फैब्रिक का यूज़ किया है। ये अपनी नेक से थोड़ा थोड़ा बड़ा फैब्रिक हमें रखना होगा। ऊपर की साइड से, शोल्डर की साइड से फैब्रिक को बिल्कुल सेम आप स्क्वायर शेप में भी रख सकते हैं, या जिस शेप में आपको फ्रंट में डिजाइन चाहिए उस शेप में आप बैक का फैब्रिक बैक में रख सकते हैं विदाउट नेक कटिंग किए। यहाँ शोल्डर है हमारा, शोल्डर से मैंने 1.5 इंच का, 1.5 इंच का फैब्रिक अंदर में एक्स्ट्रा लिया है। आप देखिए इस तरह से ये शोल्डर का यहाँ पे मार्किंग है। यहाँ से 1.5 इंच का फैब्रिक मैंने दोनों साइड में एक्स्ट्रा लिया है, और उसके ऊपर सेंटर को देखते हुए यहाँ से हमने देखिए मार्किंग की थी। ये हमारा सेंटर यहाँ पर दिख रहा है मार्किंग का। सेंटर को सेंटर से मिला करके अपने जो नेक कटिंग की है उसको बैक वाले फैब्रिक पे हम इस तरह से बिल्कुल सेट कर देंगे, और चौक से इस नेक के लाइन से हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन मिलाते हुए थोड़ा सा भी हमें एक्स्ट्रा या छोटा बड़ा नहीं करना है। बिल्कुल इसके लाइन बाय लाइन मिला करके हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे, पूरी नेक को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम डॉट डॉट करके जो मार्किंग करते हैं वैसे नहीं, पूरी नेक को ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। जिस भी शेप की हमारी नेक होगी उसे हम ड्रॉ कर लेंगे, और अब हम इस फैब्रिक को हटा देंगे। ये हमारी नेक ड्रॉ हो चुकी है, हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पिनअप करके नेक के साथ हमारे जो मेन फैब्रिक है उसकी नेक के साथ स्टिच भी कर सकते हैं। मैं कट करके बता रही हूँ जैसे हमारी पहले की जनरेशन्स में बनते थे नेक्स, उस स्टाइल से आज मैं आपको नेक क्रिएट करना बता रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुली ये नेक बनकर रेडी हो जाएगा, आप देखिएगा, और बहुत ही इजी वे है। ये हो गया। अब हमें इसमें, मैं यहाँ पर जो डिजाइनिंग करने जा रही हूँ वो मैं यहाँ से ही ऐसा राउंड शेप लेते हुए फैब्रिक को, जितना यहाँ पे 1.5 इंच मैंने फैब्रिक लिया है तो 1.5 इंच के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ सेंटर से भी फैब्रिक का मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से ये 1.5 इंच है, यहाँ से भी 1.5 इंच, ऐसे ही हम पूरा नीचे तक की मार्किंग करके इसे कट कर लेंगे। इस तरह से मैं इसे कट कर लूंगी। ये डिजाइन मेरी फ्रंट में आने वाली है। इस तरह से ये मैंने अपने नेक के डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया। ये देखिए, अब इसे सेकंड पार्ट में भी हमें कट करना है, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और ये जो हमारी कटिंग आई है इसी कटिंग के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करके इसे कट कर लेंगे। बैकग्राउंड में काफी नॉइस वाली वॉइस आ रही है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे बगल के प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये ड्रिल मशीन की वॉइस आ रही है। हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा हो, बट आप मेरी कटिंग और स्टिचिंग पे कंसंट्रेट करेंगे तो वो वॉइस अवॉइड हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने नेक की डिजाइन कट कर ली है। अब मैं आपको इसे स्टिच करना बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये और नेक रख लिया है। सॉरी, इसे बैक साइड से रखना है मुझे, क्योंकि मुझे जो रेड फैब्रिक है वो फ्रंट में लाना है। कंट्रास्ट के लिए मैंने यहाँ रेड फैब्रिक यूज़ किया है, नेक कटिंग की है जिसकी मैंने। ये मैं इस तरह से रख लूँगी, और ये मेरा जो फैब्रिक है रेड वाली जो मैंने नेक कटिंग की है उसको जिस तरह कटिंग की थी हमने, टोटल इसके साइज से ही कटिंग की थी। ये जब कटिंग हम एक बार कर लेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें हम अगर पिनअप करके स्टिचिंग नहीं भी करेंगे तो भी ये परफेक्टली साइज में यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि इसी साइज के नेक से हमने कटिंग की हुई है। तो यहाँ से हम इसे
स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल माइनर से स्टिचिंग लेकर के हमें स्टिचिंग करनी है। दोनों फैब्रिक को बराबर रखना है, किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। इस तरह से दोनों फैब्रिक को बराबर में रखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सेंटर वाली डिजाइन सेंटर पे आ जाएगी। अगर हम किसी भी फैब्रिक को बिना खींचे बराबरी से इसे स्टिचिंग करते जाएंगे तो इस तरह से हम फैब्रिक को फैब्रिक से मिलाते हुए स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये परफेक्टली यहाँ तक फैब्रिक हमारा स्ट्रेट आ गया है। अब इस फैब्रिक को हम बैक साइड में टर्न कर देंगे इस तरह से फ्रंट की तरफ, बैक साइड आई मीन टू ये फ्रंट की तरफ, क्योंकि उल्टी साइड से हमने इसे ऐड किया था। फ्रंट में ये इस तरह से आ जाएगा। यहां पर हम टॉप स्टिच चला करके जब हम इसे सेट करेंगे तो ये पूरा देखिए हमारा राउंड शेप में इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट हो जाएगा और ये जो हमारी डिजाइन है वो फ्रंट पैनल पे इस तरह से सेट हो जाएगी। तो आगे हम स्टिच करते हैं। देखिए अब इसे बराबर से हम पूरे फैब्रिक को अच्छे से यहाँ से पकड़ेंगे स्टिचिंग के पास से, ये स्टिचिंग की हमारी ऐसे ही से पकड़ लेंगे और यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। ऊपर में हमारा रेड फैब्रिक है तो ऊपर में मैंने रेड धागा लगा लिया है और नीचे की साइड बॉबिन में मेरा ब्राउन धागा लगा हुआ है। इससे हमारी स्टिचिंग में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ रेड धागा लगा लिया है, बैक में ब्राउन फैब्रिक है तो ब्राउन धागा लगाया हमने, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है स्टिचिंग में। जिस साइड में जो फैब्रिक हो उस कलर के थ्रेड्स को यूज करने से, कभी कभी लोग करते हैं आगे फ्रंट में रेड है तो बैक में भी रेड, बॉबिन में भी रेड भर के स्टिचिंग करते हैं तो बैक साइड से वो थ्रेड्स फिर दिखने लगते हैं, विजिबल हो जाते हैं तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। अगर आप बिगनर्स हैं और सिर्फ अपने लिए स्टिचिंग करते हैं तो भी मैं आपको कहूंगी कि आप अपने साइज का ड्राफ्ट मेकिंग करके रख सकते हैं और जब भी आपको स्टिचिंग करनी हो आप डायरेक्ट ड्राफ्ट को फैब्रिक पे रखिए और कटिंग कर लीजिए। बार बार आपको इंची टेप से मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से स्टिचिंग करते हुए हम अपने पूरी नेक में ये देखिए मैंने अपने नेक पे स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे सेंटर में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये सेंटर का जो पैनल मैंने बनाया है इसको हल्का सा सेट करना होगा पिन अप करके, ताकि ये बिल्कुल भी यहाँ से थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर मैंने ये पिंस ली हैं, इसके थ्रू मैं इसे बहुत ही अच्छे से सेट कर दूंगी। पिंस को मैं पहले नेक्स के अराउंड ऐसे सेट करूंगी, साइड के नेक्स के अराउंड। ये फैब्रिक थोड़ा सा सिल्की टाइप का फैब्रिक है, बहुत ही फाइन फैब्रिक है इसलिए बहुत ज़्यादा ये सरकता है कपड़ों के साथ। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही हम इसको सेट करेंगे अच्छे से, तो पिंस लगा करके ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएंगे और हम यहाँ पर अपनी आगे की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेंटर में पिन लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए फैब्रिक ज़रा सा भी कहीं से मूव ना हो इसके लिए हमें फैब्रिक में दो तीन जगह एक्स्ट्रा पिन्स भी लगानी पड़ सकती हैं। जैसे जैसे हमारी स्टिचिंग कंप्लीट होगी हम इस पिन्स इन पिन्स को निकालते चले जाएंगे। मैं यहाँ पर ये लास्ट पिन लगा रही हूँ नीचे की साइड में कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इस तरह से रखने के बाद
आप नीडल और थ्रेड का यूज करते हुए बड़े बड़े रनिंग स्टिच के टाकों का यूज करके इसे स्टिच कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप मशीन से स्टिचिंग कर सकते हैं। ये हमने पिन से अपने नेक को सेट कर दिया है फ्रंट में। अब हमें अब हमने ये जो डोरी बना रखी है लाइट येलो है, क्रीम कलर आप बोल सकते हैं, क्रीम कलर से वन शेड डार्क है ये, हमारे फ्लावर में शेडेड में ये कलर मैच हो जाता है, इसलिए मैंने इस कलर की एक लंबी सी डोरी बना रखी है जिसको मैं नेक के साइड्स में ये रेड फैब्रिक के ऊपर से ओवरलैप करते हुए ये चारों तरफ इसके नेक के अराउंड इसे यहाँ से इस तरह से ओवरलैप करते हुए मैं ऐसे स्टिचिंग करूँगी और यहाँ से टर्न करके वापस यहाँ तक स्टिचिंग कर लूँगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम अपने मशीन पर आ गए हैं वापस। यहाँ से ये देखिए इस फैब्रिक को, ये जो स्टिचिंग वाली डिज़ाइन है वो हम अंदर के साइड में इसको यहाँ रखेंगे, स्टिचिंग जो हमारी आई हुई है डोरी बनाते समय। ये मैंने स्ट्रेट डोरी बनाई है, आप अगर चाहें तो डोरी को और एक काट के भी बना सकते हैं, उसे लगाने में थोड़ी आसानी होती है। इस तरह से देखिए यहाँ से हमने वापस से हमने वही किया है, ऊपर की साइड में हमने लाइट येलो कलर का क्रीम कलर का थ्रेड यूज किया और नीचे बॉबिन केस में हमने ब्राउन थ्रेड भरा है, तो जिससे हमारी स्टिचिंग में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। रेड फैब्रिक के ऊपर ये देखिए ये जो हमारा येलो फैब्रिक का साइड है वो रेड फैब्रिक के साइड पे आएगा, इस तरह से रेड फैब्रिक के ऊपर इसे ओवरलैप करते हुए हम पूरे अराउंड में स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए नेक को हमें जरा भी कहीं से किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पिन आ रही है, इस पिन को हम निकाल लेंगे, फैब्रिक को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पकड़ कर रखेंगे जिससे वो हिले नहीं। ऑलरेडी हमने बहुत सारी पिन्स लगा रखी हैं इसमें तो ये मूव नहीं करेगा। अब यहाँ से हम फैब्रिक को टर्न करेंगे, ये हल्का सा यहाँ पर हल्का सा बिल्कुल माइनर सा फैब्रिक में एक छोटी सी स्लिट आएगी, इस तरह से देखिए ऐसे हल्की सी स्लिट आएगी इसमें फैब्रिक में, क्योंकि हम राउंड नेक बना रहे हैं और डोरी हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट की है, इस स्लिट से भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग अच्छा सा शेप आ जाता है हमारे डिज़ाइनिंग में। अब यहाँ से हम फुट को उठाते हुए बहुत ही स्लोली फैब्रिक को मूव करेंगे और अपने साइड्स में स्टिचिंग करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ कॉर्नर पे आके हमें रुक जाना है क्योंकि हमें वापस इस साइड में इसे टर्न करना है और यहाँ से हमें रेड फैब्रिक के ऊपर इसे स्टिच करना है। इस साइड में भी फैब्रिक पे छोटी सी स्लिट आएगी, जब हम फैब्रिक ये डोरी को ऐसे मूव करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटी सी स्लिट क्रिएट होगी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी डिजाइनिंग में। और बिल्कुल अब यहाँ से डोरी को हम स्ट्रेट ले लेंगे स्टिचिंग में। स्टिचिंग करते समय जो भी पिन्स आएंगी उन पिन्स को हम रिमूव करते जाएंगे, फैब्रिक को हमेशा सीधा रखना है, पिन लगाने के बाद भी हमें हमेशा फैब्रिक को सेट करते रहना है, फैब्रिक में कहीं से भी थोड़ी सी भी शिंक ना आए, फैब्रिक कहीं से भी मूव ना हो, अदरवाइज हमारी सेंटर की डिजाइनिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। इस तरह से देखिए रेड फैब्रिक के ऊपर ओवरलैप करते हुए हम यहाँ से ऐसे नीचे हम जब हमारा ये नीचे के साइड में आ जाएगा तो यहाँ पर हमें ये डोरी को इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे इस शेप में ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करना है डोरी को
और यहाँ पर स्टिचिंग करनी है इस तरह से। निडल को हमेशा फैब्रिक में इंसर्ट करने के बाद ही फुट को उठाएंगे और फैब्रिक को टर्न कर देंगे, जिससे बिल्कुल भी हमारा शेप नहीं बिगड़ेगा और सेंटर हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ से भी हम बिल्कुल सीधा फैब्रिक को सीधा प्रेस करते हुए सीधी स्टिचिंग ले लेंगे। और यहाँ भी इस कॉर्नर पे भी हम इस तरह ट्रायंगल शेप में, वहाँ से हमने ऊपर की तरफ से लिया था, यहाँ हम नीचे की तरफ से ट्रायंगल शेप बनाएंगे, जिससे दोनों साइड से हमारी डिजाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट दिखेगी। इस तरह से देखिए ट्रायंगल शेप बना करके हमने डोरी को घुमा दिया है, तो ये बिल्कुल सीधी इधर आ जाएगी। अब हम यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग कर लेंगे। अगेन हम यहाँ से निडल को फैब्रिक में ही रखेंगे, फुट को उठाएंगे। ये देखिए हमने फैब्रिक मूव कर लिया। अब यहाँ से बिल्कुल जिस प्रोसेस से हमने हाफ साइड में स्टिचिंग की थी, वैसे ही हम इस साइड भी स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरे में अच्छे से डोरी लगा ली है। आप चाहे तो इस डोरी की जगह किसी तरह की कॉन्ट्रास्ट में या सेम कलर में जैसी भी लेस अभी आप अटैच कर सकते हैं। आजकल लेस भी काफी इन में है। अब हम ये बाहर की साइड्स में, अगर आप चाहे तो इस साइड्स में भी अनदर फैब्रिक का या रेड फैब्रिक की पाइपिंग लगा करके इसे फिनिशिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ इस फैब्रिक को सिंगल स्टिचिंग दूंगी और फिनिशिंग करते जाऊंगी। जो हमारा एक्स्ट्रा रेड फैब्रिक या उसका जो भी थ्रेड हमारा स्टिचिंग में, जैसे यहाँ पर ये थ्रेड आ रहा है, उसे मैं हल्का हल्का सा ट्रिम कर दूंगी, जिससे वो बाहर की साइड स्टिचिंग में ना दिखे, और स्टिच करते जाऊंगी। राउंड शेप में इस तरह से हम स्टिचिंग। अब यहाँ पर हमारा जैसे हल्का सा रेड फैब्रिक दिख रहा है, तो यहाँ से भी हम हल्का सा ही, बिल्कुल हल्का सा इस फैब्रिक को ट्रिम कर देंगे। और अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल ना हो, तो आप पहले पूरे नेक में अंदर के रेड फैब्रिक को ट्रिम कर लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद आप स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर ठीक तरह से परफेक्टली येलो लेस, येलो डोरी लगाई गई हो, तो हमें ट्रिम करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। कहीं कहीं पर हल्का सा, बस थोड़ा थोड़ा सा थ्रेड आता है फैब्रिक का, उसे बस ट्रिम करना होता है। या फिर आप ट्रिम नहीं करना चाहते हैं, तो इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नेक के अराउंड स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपना नेक, कुर्ती का नेक बना करके कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और बहुत ही ब्यूटीफुली ये नेक बन गया है। ये हमारी नीचे की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। यहाँ सेंटर में मैं बटन्स ऐड करूंगी, आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, टसल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ सेंटर में इस तरह से 3 बटन्स ऐड करूँगी, बहुत ही ब्यूटीफुल बटन है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें बीच में डायमंड्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छा बटन लगता है। और इस कुर्ती का फ्रंट का लुक इस तरह का आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक है इस कुर्ती का। अब इसके स्लीव्स में मैं आपको बताती हूँ, स्लीव्स में भी मैं बस सिंपली रेड और येलो कलर के फैब्रिक का बॉर्डर क्रिएट करूंगी। तो आइए मैं आपको स्लीव्स में बताती हूँ डिजाइनिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये कुर्ती का उल्टा फैब्रिक हमने रखा है, ये फ्रंट है हमारा, इसके ऊपर हम ये रेड फैब्रिक ऐड करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम स्टिचिंग कर लेंगे उल्टी साइड से।
यहाँ पर मैंने थ्रेड चेंज नहीं किया है। ये स्टिचिंग हमारी अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी। करके हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली। अब इस फैब्रिक को हम फ्रंट साइड में फोल्ड कर देंगे। ये स्टिचिंग हमारी अंदर की साइड चली जाएगी, जैसा कि हमने नेक पर किया था इस तरह से। यहाँ पर अभी हम टॉप स्टिच लगाएंगे, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और साथ ही में जैसा हमने नेक में इस फैब्रिक को ऐड किया था येलो फैब्रिक को, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर येलो फैब्रिक को ऐड कर देंगे। इस तरह से देखिए, फैब्रिक को यहाँ से प्रेस करते हुए अच्छे से येलो फैब्रिक को इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए हम स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने स्लीव्स में बॉर्डर बनाकर क्रिएट कर लिया है। कितना ब्यूटीफुल सा कॉन्ट्रास्ट कलर में ये बॉर्डर बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इस कुर्ती की पूरी स्टिचिंग वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको ये कुर्ती फाइनल लुक इस कुर्ती का ज़रूर दिखा सकती हूँ। तो आइए आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रहा इस कुर्ती का फाइनल लुक। ये देखिए, ये फ्रंट में मैंने बटन लगाकर ऐड कर दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये बटन्स। और नेक भी आप देख सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। और ये फ्रंट में ये डिज़ाइन कुछ ऐसे आ गई है। और इधर से आप स्लीव्स देखें, ये स्लीव्स हैं, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं ये 3/4 स्लीव्स। तो ये इस कुर्ती का फाइनल लुक है। नीचे बॉर्डर में मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, स्लिट्स नॉर्मल स्लिट्स बनाई हैं और नीचे बॉर्डर भी बिल्कुल नॉर्मल स्टिचिंग की है। बहुत ही अच्छा प्रिंट है इस फैब्रिक का, बहुत ही अच्छी कुर्ती है, ब्यूटीफुल सी कुर्ती है। आपको मैं एक और भी ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस कुर्ती को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस कुर्ती को amazon.com से परचेस कर सकते हैं। Amazon पे ये कुर्ती अवेलेबल होगी आपको, SDFB ब्रांड के थ्रू आप सर्च करेंगे तो SDFB कुर्ती, क्रेप कुर्ती आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये कुर्ती Amazon पे आपको अवेलेबल मिलेगी, आप वहाँ से इस कुर्ती को परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। SDFB मीन्स फ्रेंड्स सुई धागा फैशन बुटीक, इसका शॉर्टकट है SDFB। ये हमारी ब्रांड है, आप इस कुर्ती को डायरेक्ट Amazon से परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।